days of life. आज है संडे और अब हमारा वीकेंड खत्म होने वाला है, so we are little bit sad, but welcome Anviti परिहार ऑस्ट्रेलिया टाउन सिटी. ओके, सो वी आर फुल ऑफ एनर्जी नाउ. कल से एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है, नई शुरुआत. सो कल से कैबी का किंडर शुरू हो रहा है. कल उसका फर्स्ट डे है, कल मंडे है तो कल फर्स्ट डे है. कल टाइमिंग्स विल बी 8:30 to 4. और मेरे घर में सबको लग रहा है कि एक बच्चे के लिए शायद थोड़ी ज़्यादा टाइमिंग्स है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि अभी किंडर में यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता उसमें. बस मोस्टली वो लोग प्ले ही करते हैं, थोड़ा बहुत वो पढ़ाएंगे, बट वो भी इन द लेटर स्टेज जब किंडर ख़त्म होने वाला होगा, ऐसा हमें बताया गया है. अभी सिर्फ वो एक प्रैक्टिस में ला रहे हैं बच्चों की कि नेक्स्ट ईयर से उनको स्कूलिंग स्टार्ट करनी है तो कैसे इतने लंबे टाइम के लिए बैठना है और कैसे मतलब टीचर्स को, फ्रेंड्स को, सबको रिस्पॉन्ड करना है और अपना लंच बॉक्स वगैरह खाने की आदत डालनी है. मतलब मोस्टली उनको इंडिपेंडेंट बनाना है. तो अभी तो इस ईयर बस यही प्रैक्टिस होगी. तो अनविति की सारी शॉपिंग भी हो गई है, उसके लिए 2 pair ऑफ शूज बोले थे, रनर्स बोले थे, जिससे कि तो रनर्स में बच्चे जब खेलते हैं तो उनके चोट वगैरह नहीं लगती है. तो हमें 2 pair ऑफ शूज बोले हैं, 3 sets ऑफ क्लोथ्स बोले हैं बैग में रखने के लिए. These are new runner shoes, कैबी के. तो कैबी बहुत excited है अपने runner shoes को लेकर. और कैबी के सारा टिफिन बॉटल एक्सेट्रा सब कुछ ले आए हैं हम. मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि हम क्या क्या लाए हैं उसके लिए. सब कुछ फ्रोजन की सीरीज का ही है. तो हाँ, अब बस कैबी को आज जल्दी सुला देंगे क्योंकि वैसे जब डे केयर जाती है तो थोड़ा सा कभी कभार लेट भी जाती है तो चलता है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें लेट नहीं हो सकते, इसमें बिल्कुल ऑन टाइम रहना है हमको. और लंच में मैं उसके रखूंगी प्याज और आलू का पराठा. फर्स्ट स्नैक बॉक्स में मैं रखूंगी 1 boiled egg एंड सम ब्लूबेरीज. और सेकेंड स्नैक बॉक्स में मैं रखूंगी ब्रेड बटर विद सम फेरी स्प्रिंकल्स. उसको यहाँ पे फेरी ब्रेड कहते हैं, वो होता है ना केक के ऊपर छोटे छोटे स्प्रिंकल्स होते हैं मल्टी कलर, तो उसको यहाँ पे बच्चे फेरी ब्रेड बोलते हैं. और तो ये है अभी तक की तैयारी. आज थोड़ी सी मुझे भी घबराहट हो रही है क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ये, बट एक्साइटेड भी हूँ. अभी बस हम टिश्यू बॉक्सेस लेने जा रहे हैं. हर इसके किंडर में हर बच्चे को बोला गया है कि हमें 2 tissue boxes सबमिट करने हैं, तो वो हम नहीं ला पाए थे, बस वो हम लेने जा रहे हैं. थोड़ा लेट हो गए, अभी कोल्स खुला होगा, वुलवर्थ्स खुला होगा, तो उन दोनों में मिल जाएंगे. और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी आपको बहुत उजाला दिख रहा होगा तो ऐसा लग रहा होगा कि टाइम 5-6 बजे होंगे, बट 5-6 नहीं बजे. अभी कितने बजे? अभी बज रहे हैं 8:45. तो बस खाली बुलीज और कोल्स खुला होगा तो हम जाकर फटाफट लेकर आते हैं और फिर आते हैं आपसे बात करते हैं. So she is a rabbit with sunglasses and she's in pink water in sunny beach. Happy? Yes. ये मुझे कब से बोल रही थी मुझे कुछ बोलना है और अब इसने मुझे हंसी आ रही किसी ये बोलना था. आपका गिटार कैबी के लिए वायलिन लग रहा है. कैबी बजाओ. नहीं, वायलिन नहीं होता बड़ा सा जो लेकर बैठते हैं, जो कैटरीना कैफ लेके बैठती है, कौन सी मूवी में? वीर में. बड़े आराम से बैठे. कल मंडे है. वो खुश हो रही है, वो दुखी हो रहे हैं. क्या बोलूं. वैसे इस हफ्ते ही दिस गाइस वर्किंग फ्रॉम होम. ये गाइस अभी बज रहे हैं 10:15 और आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी बोला था कि हम निकल रहे हैं और एक्चुअली अब हम निकल पाए. तो उसका रीजन मैं पूरा डिटेल में घर चल के बताऊंगी. बहुत बड़ा कांड हो गया था बट वो कांड सॉल्व हो गया है और बहुत बड़ा खर्चा आ जाता बट वो खर्चा भी बच गया है. सो या अब हम जा रहे हैं जल्दी से, देखते हैं कि वैसे तो कोल्स और वुलीज खुले होंगे आई बिलीव क्योंकि वो मिडनाइट तक खुलते हैं, 12 बजे खुलते हैं. तो हम जल्दी से टिश्यू बॉक्स लेने जा रहे हैं. टिश्यू बॉक्स लेके फिर मैं मंदिर जाऊंगी क्योंकि हमने माना था कि बस मंदिर कि चाहे बाहर से ही मैं दर्शन करूंगी लेकिन आज मैं जाऊंगी ज़रूर. तो अब हमारा जाना बनता है. घर आके मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था. पॉइंट नहीं है.
बैठा नहीं पाए। गाइस तो हम घर वापस आ गए हैं। आज तो बस बाल ही बाल बच गए हैं। अभी मैं आप लोगों से बातें करूंगी कि आज हुआ क्या है। फिलहाल अनुज का रस्ते में मन कर गया था कि चिकन खाना है, और चिकन मतलब मैं तंदूरी चिकन का मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी, लेकिन अब इतना लेट हो गया, हम 11 बजे घर आ पाए। चिकन बना रही हूँ, मैंने सोचा है कि मैं तंदूरी चिकन जल्दी से बेक कर दूंगी, तो अनुज जी की फरमाइश आई है कि अनुज को चिली चिकन खाना है अभी। तो अब मैं 11:30 बजे चिली चिकन बना रही हूँ। 11:30 बज गया है तैयारी करते करते, तो मैं बस चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। चिकन मैरिनेशन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मॉल्ट विनेगर, सॉल्ट। आपका सब्सक्राइबर होगा तो वो देख के अनसब्सक्राइब कर देगा आपको। अगर प्लीज मेरा कोई प्योर वेजिटेरियन सब्सक्राइबर है तो प्लीज आई एम सो सॉरी, डोंट गेट ऑफेंडेड, क्योंकि हम आगे स्किप कर देना प्लीज आगे स्किप कर दीजिए। अगर वैसे मैं चिकन नहीं दिखाऊंगी अभी आपके लिए, तो उसमें मैं डाल रही हूँ पेपर। आप पनीर से बना लीजिएगा, ठीक है, आप चिली पनीर बना लीजिएगा। सो मैंने डाला है बहुत सारा ब्लैक पेपर, सॉल्ट, मॉल्ट, विनेगर। मेरी मम्मी बहुत प्यारी है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये पहले ये फिनिश करो, ये भी खाओ गमीज। मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत सारा, एग्स डाल रही हूँ इसमें मैं, और इसमें डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च, मुझे अच्छा लगता है इसका कलर, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ। दैट्स इट। सो इसमें मैरिनेशन में मैं एक बार फिर से रिपीट कर, इसमें मैंने डाला है एग, सॉल्ट, पेपर, विनेगर, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक गाइस, तो अभी मैरिनेशन हो रहा है चिकन का, मतलब चिकन का मैरिनेशन हो चुका है, और उसको मैंने 15-20 मिनट्स के लिए रखा है क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पे मैंने वेजीज चॉप करे हैं, ये है गार्लिक, अनियन, और ये तीनों जो भी शिमला मिर्च थी मेरे पास मैंने सारी कर ली, इतनी ही थी। एंड देन ये मैंने शैलट्स करे हैं, ग्रीन अनियंस। तो या इसको भी करने में मेरी आँखों में आंसू आ गए, मुझे अनियन बिल्कुल भी वैसे कट नहीं होते हैं। अब बस मैं इसकी ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। चिकन पता नहीं कैसा बना है, बहुत अच्छा बना है। गुड मॉर्निंग, हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजे है सुबह का 6:30 और हमारी आंखें कैसे स्वेल्ड अप लग रही। अभी टेम्परेचर करके अंदर 19 डिग्री हो रहा है, सो इसका मतलब कि बाहर शायद बारिश हुई है रात को, तो बहुत ठंडा सा हो रहा है। मैं उनसे कह रही हूँ हीटर ऑन कर लो, वो हंस रहे हैं क्योंकि ना मुझे जो इसकी मशीन है, हीटिंग मशीन, उसमें टेम्परेचर देखते हो मुझे ठंड लगने लगती है। अगर घर में ठंडा भी है और अगर इसमें मान लीजिए कि 20 से ऊपर है, मैं नहीं नहीं गर्मी है, लेकिन अगर इसमें टेम्परेचर मैंने देख लिया कितना मैं गर्म हूँ अंदर, तो मुझे अपने आप में ठंड लगने लगती है। लग तो नहीं रहा कि बाहर बारिश हुई है, क्योंकि बाहर कुछ भी गीला नहीं है। आपकी कॉफी का है? बारिश भी नहीं थी। ठंडा हो रहा है। अच्छा है। उसके लंच की तैयारी कल हम करके ही सोए थे, ऑलमोस्ट पराठों के लिए मैंने आलू प्रिपेयर कर लिए थे। अब बस मुझे जल्दी से पराठा बनाना है, उसका स्टफ पराठा,
और एग्स बॉईल करने हैं और दूसरे में ब्रेड बटर रखना है, तो वो जल्दी से बनाना है। आई एम एक्साइटेड, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा दिन है, एक माइलस्टोन कवर कर रही हूँ मैं। सो मुझे आपको कल की बात बतानी है कि कल क्या हुआ था। तो कल हम लोग बाहर जा रहे थे टिश्यू बॉक्स लेने के लिए, और इधर अनुज ने बस ऐसी अगरबत्ती जलाई थी भगवान की। शाम को जब भी जैसे शावर लेके आते हैं तो हम अगरबत्ती जला देते हैं, तो अगरबत्ती जलाई थी, वो जल रही थी, तो अनुज बोले कि ये बुझ जाती है तब हम जलेंगे। तो हम 15 मिनट के लिए बैठ गए, और अनुज के हाथ में घर की कीज थी, और वो भी सोफे पे बैठ गए और मैं भी बैठ गई। मैं कुछ देखने लगी यूट्यूब पे, और फिर इसके बाद 15 मिनट बाद हम उठे, और जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ गराज का, जब कार में बैठते हैं तो बंद करने के पहले ही मैं पूछ लेती हूँ, चाबी रख ली? आज 2 सेकंड लेट हो गया। और अनुज हमेशा मजाक में बोलते हैं कि हाँ रख ली, और मतलब हंसने लगते हैं। आज जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया लॉक करके अंदर से, मैंने कहा चाबी रख ली, अनुज बोले ओह चाबी तो भूल ही गए, चाबी गए। और तब मतलब एकदम से तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं, पर फिर मैंने रियलाइज़ कि नहीं नहीं ये तो सीरियसली है, तो अब क्या करें। अब तो मतलब रात हो रही, ऑब्वियसली 8 साढ़े 8 बज रहे थे, और हम पूरा घर के बाहर लॉक थे। हमने पीछे से गराज का एक गेट है, इधर से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से तो वो हम यहाँ पे आ सकते हैं, तो वो वहाँ से अंदर से खुला था, वो हमने खोल के देखा। हमने यहाँ ट्राई किया, कई बार ऐसा होता है कि ये वाला जो लॉक्स है स्लाइडिंग डोर के, ये खुले रहते हैं तो हम इजीली अंदर घुस जाते हैं, तो ये भी बंद था, वो वाला भी बंद था, ये दोनों दरवाजे हो गए। फिर जो मेन डोर था, हमने सोचा कि हो सकता है कि खुला हो, मतलब जस्ट चेन लगी हो तो उसको कैसे करके देखा जाएगा, वो भी कोशिश करी, वो भी पूरा लॉक था। ये वाला भी गराज वाला जो घर के अंदर से गराज में जाते हैं, वो भी लॉक हो गया। अब समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या करें। हमने हर चीज़ करके देख लिया, हमने चोरों की तरह तार से खोल के देख लिया, मतलब बॉबी पिन जो भी जितनी पिन थी मैंने कह की खुला, बट नन ऑफ देम वर्कड। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें मूवीज़ में ही वर्क करती है। तो हम बस लॉक स्मिथ को बुलाने ही वाले थे, मैंने कहा कि लग गया रात को सोते सोते 100-150-200 डॉलर का खर्चा, कभी बुलाया नहीं है बट एक अंदाज़ा सा है कि हाँ 150-200 के आसपास कुछ लगते हैं, और ऐसा ख़राब लग रहा था। फिर एकदम याद आया कि जब हम इंडिया गए थे तो इंडिया जाने से पहले हमने अपने फ्रेंड को यहाँ की डुप्लीकेट कीज दी थी, तो जल्दी से फिर हमने उसको कॉल किया, हम उसके पास गए 1 घंटा परेशान होने के बाद, और 1.5 घंटा हो गया था परेशान होते हुए, बस हम बुलाने ही वाले थे लॉकस्मिथ को। तो फिर उसके बाद हम उसके आ गए, उसके ऐसे कीस लाए, घर खोला, घर के अंदर घुसे, जान में जाना ही, मैंने कहा बच गए। मैंने ऐसे बोल रखा था कि भगवान बस दरवाज़ा खुल जाए, आज मैं जब मंदिर के बाहर से ही होकर आऊँगी। फिर रात को टिशू बॉक्स लेके हम मंदिर के बाहर दर्शन करके आए थे, नहीं तो कल का टिशू बॉक्स बहुत महंगा पड़ जाता। उसका टिफ़िन बॉक्स, तो ये है मेन जिसमें मैं पराठा रखूँगी, और डिसेंट साइज़ है, एक पराठा या ब्रेड या कुछ भी आ जाएगा। फिर ये है छोटा सा स्नैक बॉक्स, इसमें मैंने इसकी फेरी ब्रेड रख दी है, और ये है दूसरा स्नैक बॉक्स जिसमें मैं अभी एग और ब्लूबेरी रखूँगी। देन ये है उसकी वाटर बॉटल, इसको वो बहुत ईजिली खोल ले रही है और वो पी ले रही है। तो यहाँ ये है मैडम जी का बैग, बड़ा सा बैग लिया है बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आनी है, इसमें कपड़े वगैरह भी रखने हैं, 3-3 टिफ़िन बॉक्सेस रखने हैं, जूते रखने हैं, कैप्स रखनी हैं, तो ये सामान है मैडम जी का। ये रहा इनका टिश्यू बॉक्स जो इनको लेकर जाना है। And everyone will do
excited? And I'm going to have my Shona Mona bahut excited hai aaj. I will have the biggest tissue box like my mommy that I will not have cartoon tissue box like, and I have this present, this new tissue box for Anviti. कोई तो बहुत एक्साइटेड है ये बहुत बड़ा बैग है टांग पाएगी बहुत हेवी बेटा पापा पकड़ ले इसको नहीं हेवी है देखो बहुत लग जाएगी ना भैया के नहीं लगती है बिग बिग हो गए हैं अच्छा यस हमने कल टैंकी भी डाली है तो सैमसंग